इस समय भैरव हवन चल रहा है। नमस्कार, दिव्य उपासन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लाल किताब के अनुसार कन्या राशि की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लाल किताब के अनुसार कन्या राशि के जो लोग हैं उनका 2019 का समय कैसा होगा और क्या सावधानी उनको अपने जीवन में 2019 के लिए करनी चाहिए। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो इस वर्ष जो व्यापारी हैं उनको संभल कर रहना चाहिए, सरकारी जो नियम हैं उनका पालन करें, क्योंकि ऐसी इच्छा होगी कि सरकारी कुछ नियम तोड़ने की, तो उससे बचें और जो भी सरकार का जो टैक्स है वह नियमित समय पर भरने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उससे बचने की कोशिश करते हैं तो आगे आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। कामकाज का बोझ बहुत बढ़ सकता है। नौकरी पेशा वालों के लिए 2019 का समय सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों की यही चिंता रहेगी या यही शिकायत रहेगी कि उनसे उनकी क्षमता से ज़्यादा कार्य कराया जा रहा है लेकिन मेहनताना उससे कम दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायत 2019 में रहेगी। नौकरी पेशा वाले सोच समझकर अपने साथी से बात करें, क्योंकि वे आपकी बैड पब्लिसिटी अपने आपके बॉस से कर सकते हैं, आपके उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। इसलिए कोई भी अंदर की बात अपने साथी से न करें। जो लोग राजनीति में हैं उनको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो कुछ गलती होने की संभावना बन जाएगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। 2019 में कन्या राशि वालों के लिए दोपहर का समय यानी 12 बजे से 3 बजे का बीच का जो समय है ये ज़्यादा शुभ माना जाएगा। कोई भी कार्य की अगर आप शुरुआत करते हैं तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो उसमें सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। 2019 में काला और नीला कपड़ा न पहने, इससे बचने की कोशिश करें। आपकी जो विवाहित जिंदगी है, जिनके जीवन में तनाव चल रहा था, 2019 में उनके जीवन में तनाव का अंत हो जाएगा, यानी वैवाहिक जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा। किसी विषय पर विवाद चल रहा है, चाहे वो जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, किसी भी विषय पर विवाद इसी 2019 में उसका सुलझना तय है और इसका जो निर्णय होगा वह आपके पक्ष में ही आएगा, इसकी चिंता न करें। फिर भी कुछ सावधानी होती हैं, वो सावधानी अवश्य करें। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा है तो नियमित जल चढ़ाएं। किन्नरों को धनदान करें जब भी समय मिले और उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचें। शुक्रवार के दिन तीखी मसालेदार चीज़ें, खटाई, इन चीज़ों का त्याग कर दें और बुधवार के दिन कोई भी हरा कपड़ा या कच्चा आम दान करें तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होगा। इसके अलावा एक विशिष्ट मंत्र है और वो मंत्र है ओम बुम बुधाय ह्रीम नमः, ओम बुम बुधाय ह्रीम नमः, ओम बुम बुधाय ह्रीम नमः। इस मंत्र को धीमी आवाज़ में बोलना है। इस मंत्र की जप की निर्धारित संख्या कोई फिक्स नहीं है, कितना भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। 11 मंत्र का जाप करें, 51 मंत्र का जाप करें, जब भी किसी कार्य के लिए घर से बाहर आप जाएं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर आयोजित होना जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, पूजा के क्षेत्र में हैं, मंत्र साधना तंत्र साधना के क्षेत्र में हैं, किसी भी प्रकार से उपचार कर रहे हैं तो आपको यह साधना करना अनिवार्य है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।